तो हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आपका स्वागत है हमारा SS एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आज का मोटिवेशनल है, ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार कहलाता है। ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार कहलाता है और ज्ञान ही समाज में इज्जत और सम्मान दिलाता है। तो आज हम लोग प्रश्न वाले 1.4 का प्रश्न संख्या 5 को हल करते हैं। अरे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित के हरों को परिमेयकरण कीजिए, है ना। हर किसको बोला जाता है? इसको बोला जाता है अंश, और नीचे वाला बोला जाता है हर। ध्यान देंगे। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। 1/√7 क्वेश्चन है ना, 1/√7। ध्यान देंगे, परिमेयकरण मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। रूट को, हर से रूट को हटाने के लिए हम लोग करते हैं परिमेयकरण। जैसे मान लीजिए √3 है, परिमेयकरण मतलब होता है सेम संख्या ऊपर लिखना है, सेम संख्या नीचे लिखना है ना। नेक्स्ट बार क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करिए ऊपर ऊपर, तो √3, और नीचे क्या बन जाएगा, 3। नीचे हट गया कि नहीं परिमेयकरण में, कि नहीं, तो हर, इसी को बोला जाता है परिमेयकरण बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें क्या करेंगे, √7 ऊपर लिखेंगे और √7 नीचे लिखेंगे। नेक्स्ट बार मल्टीप्लाई करिए तो √7, और नीचे क्या बच जाएगा, 7। यहीं पर आप लोग क्या हो जाता है, आंसर। तो प्रश्न संख्या 2 को हल करते हैं। 1/√7 − √6, नेक्स्ट 1/√6 क्या है, √7 है ना, √7 − √6, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1/√7 − √6। ध्यान देंगे, नीचे हर है ना, तो हर एकदम परिमेयकरण करना है, तो ऊपर लिखना है √7 − √6, और नीचे भी लिखना है √7 − √6। सेम संख्या बोले थे ना, नीचे जो लिखा हुआ तो ऊपर नीचे लिखना है बताए थे ना, लेकिन थोड़ा सा याद करना है, नीचे माइनस है तो याद रखना प्लस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर प्लस है तो ऊपर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करना है, इसका रूल है, याद रखना है ना। नीचे माइनस तो प्लस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे प्लस तो ऊपर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करना। अभी क्या है, माइनस, तो प्लस प्लस किए हैं। नेक्स्ट बार मल्टीप्लाई करें ऊपर तो क्या बच जाएगा, √7 + √6, और नीचे क्या बच जाएगा, एगो माइनस मारे का चीज है, प्लस में है ना, तो बताए थे ना क्या बनेगा, √7 का स्क्वायर − √6 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला एक होता है, a − b × a + b बराबर क्या होगा, a² − b² ये आपका फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा, है ना। a − b × a + b बराबर क्या होगा, a² − b² इसी प्रकार एक माइनस हमारे का है प्लस में, इसलिए लिख देंगे a² − b². तो नेक्स्ट बार क्या होगा, √7 + √6 बाय, आप बताइए √7 की स्क्वायर है, तो √7 का स्क्वायर है तो लिख सकते हैं √7 × √7, अब मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 7, तो नीचे क्या हो जाएगा, 7 − √6, तो √6 का स्क्वायर, तो √6 × √6 क्या बन जाएगा, 6, तो यहाँ का लिख देंगे 6। यहाँ तक तो आप लोग आसानी समझ में आ गया होगा। फिर से उतारेंगे √7 + √6, और नीचे 7 में 6 मैंने 7 में 6 घटा दी 1, यहीं पर आप लोग क्या हो जाता है, आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग आसानी समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। क्या है देखिए, तो 1/√5 + √2 है ना, 1/√5 + नीचे लिखना है +√2 इंटू क्या करना है, √5 − √2, और नीचे भी लिखना है √5 − √2। अब ध्यान देंगे, नीचे प्लस था है ना, तो ऊपर का के माइनस से मल्टीप्लाई करना, सेम संख्या लिखना है,
लेकिन नीचे प्लस तो ऊपर माइनस माइनस लिखेंगे, और नीचे पिछले बार माइनस था तो क्या लिखे थे, प्लस प्लस लिखे थे। नेक्स्ट बार ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करिए तो रूट फाइव माइनस रूट टू होगा कि नहीं, फिर से बताइए। ये प्लस हमारे काम है माइनस में, तो ऐसा लिख सकते हैं रूट फाइव का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है ध्यान देंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए वो प्लस हमारे का चिन्ह है माइनस में, दोनों सेम है, बस यहाँ प्लस यहाँ क्या है माइनस है, ए प्लस बी ए माइनस बी दोनों सेम है, फर्क क्या है प्लस माइनस का। तो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट फाइव की स्क्वायर माइनस रूट टू की स्क्वायर लिख देंगे। नेक्स्ट बार क्या होगा, रूट फाइव माइनस रूट टू, रूट फाइव को दो बार लिखेंगे, रूट फाइव को बताए थे ना कि रूट फाइव इंटू रूट फाइव, तो क्या बन जाएगा फाइव बनेगा, तो फाइव बनेगा माइनस रूट टू को दो बार, रूट टू इंटू रूट टू तो क्या बनेगा टू, यहाँ पर क्या लिख देंगे टू, ध्यान देंगे ना रूट फाइव को दो बार तो रूट फाइव इंटू रूट फाइव, माइनस है तो माइनस, रूट टू को दो बार रूट टू इंटू रूट टू, सेम सेम संख्या मल्टीप्लाई करके होगा टू। नेक्स्ट बार बताइए आप, सेम उतरा देंगे रूट फाइव माइनस रूट टू, और नीचे फाइव में टू घटा दीजिए थ्री, यहीं पर आप लोग क्या हो जाता है आंसर। आप लोग यहाँ तक आप लोग आसानी समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या फोर को हल करते हैं। वन बटा रूट सेवन माइनस का लिखा हुआ है टू है ना, तो वन बटा रूट सेवन माइनस टू मल्टीप्लाई करेंगे, रूट सेवन प्लस टू करेंगे, और नीचे क्या करेंगे रूट सेवन प्लस टू। आप कैसे किए, नीचे सेम संख्या लिखना है लेकिन नीचे माइनस है तो ऊपर क्या लिखना है प्लस प्लस लिखना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा तो रूट सेवन प्लस टू, और नीचे क्या होगा फिर से देखिए एक माइनस और क्या है प्लस, तो बताए थे ना रूट सेवन का स्क्वायर और माइनस टू का क्या बनेगा स्क्वायर बनेगा कि नहीं। क्यों ऐसा होगा कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ध्यान देंगे है ना, एक माइनस हमारे का है प्लस में इसलिए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट बार क्या होगा रूट सेवन प्लस टू, रूट सेवन को दो बार लिखेंगे, बताए थे सेम संख्या रूट सेवन इंटू रूट सेवन का बनेगा सेवन सेवन माइनस रूट टू को दो, टू को दो बार, टू को पावर टू मतलब टू इंटू टू कितना बनेगा फोर, तो बनेगा फोर। तो नेक्स्ट बार क्या होगा सेम उतरा देंगे रूट सेवन प्लस टू, और नीचे सेवन में फोर यानी सात में चार घटा दीजिए तीन, यहाँ पर आप लोग क्या हो जाता है आंसर। तो यहाँ तक बिल्कुल आप लोग आसानी समझ में आ गया होगा। अरे वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा एस एस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय 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 बच्चों।